सो हाउ टू गेट शाइनी म्यूटू एंड डिफेंस फ्रॉम डिओक्सीज इन पोकेमोन गो। तो अगर आप एक न्यू प्लेयर हैं या फिर ओल्ड प्लेयर भी हैं और आपको शाइनी म्यूटू और डिफेंस फ्रॉम डिओक्सीज चाहिए, तो उस बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज मॉर्निंग में पोकेमोन गो ने ऑफिशियल हमें एक अनाउंसमेंट दी थी कि ये दोनों पोकेमोन आने वाले हैं, और किस तरीके से आने वाले वो मैं आपको बता दूंगा। डिओक्सीज के लिए तो जो भी पता है मैं आपको वो बता दूंगा, पर जो शाइनी म्यूटू है उसकी मैं आपको टू वेज बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि वो बहुत डिमांड में रहता है। आपको पता है गो फेस्ट आने वाला है जुलाई 18 को, उसकी अनाउंसमेंट हुई है कि जुलाई 18 को हमें बहुत ज़्यादा लेजेंडरी रेड्स देखने को मिलेंगी, यानी कि 37 के अराउंड कुछ लेजेंडरी पोकेमोन है वो एक साथ रेड्स में आएंगे, रेड रोटेशन उनकी होती रहेगी। तो उस दिन आप बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ पाओगे। ये आपको पता है उस दिन म्यूटू भी अवेलेबल होगा शाइनी में, पर आपको एक और चांस मिल रहा है शाइनी म्यूटू पकड़ने का, मतलब आप पहले ही उसके शाइनी म्यूटू पकड़ सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है, मतलब गो फेस्ट से 1-2 दिन पहले और उसके बाद में भी आपके पास शाइनी म्यूटू पकड़ने का चांस रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, मैं एक नहीं दो तरीके बता दूंगा। डिफेंस फॉर्म डिओक्सिस भी काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, पहले वो शाइनी में नहीं था, इस बार भी नहीं आ रहा, पर कैसे आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है और काफ़ी जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके पास भी नहीं होगा। बहुत पहले आया था वो, काफ़ी टाइम से आया नहीं डिफेंस फॉर्म वाला। तो वो अगर आपको चाहिए तो भी इस वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक देखना। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आते हैं और मैं आपको सारी डिटेल्स दे देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पोकेमोन गो ने ट्विटर पर अपने जो ब्लॉग होते हैं उनका पोकेमोन गो लाइव, उस पर पोस्ट शेयर कर दी थी कि ये दोनों पोकेमोन हमें रेड्स में देखने को मिलने वाले हैं। रेड की टाइमिंग्स है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जो डिफेंस फॉर्म वाला डिओक्सीज है वो हमें पहले देखने को मिलेगा, जुलाई 1 से लेकर जुलाई 16 तक वो अवेलेबल रहेगा रेड्स के अंदर, ठीक है, जो 5-स्टार रेड्स होती है उसके अंदर अवेलेबल होगा। और जुलाई 16 से जुलाई 23 तक उधर हमें शाइनी म्यूटू देखने को मिलेगा, मतलब म्यूटू जो कि शाइनी में अवेलेबल है ये दोनों हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो डिफेंस फॉर्म डिओक्सिस तो जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा रेयर ही आप उसे बोल सकते हो, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम हो चुका है हुए, तो वो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, जो कि एक मिथिकल पोकेमोन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा पोकेमोन है। वो यहाँ पर जुलाई 1 से हमें जुलाई 16 तक रेड्स में देखने को मिल रहा है, और उसके बाद हमें म्यूटू देखने को मिल रहा है। गो फेस्ट पर म्यूटू अवेलेबल है 1 दिन के लिए, पर यहाँ पर हमें और डेज का टाइम दिया गया है कि जिससे हर एक प्लेयर के पास म्यूटू काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आ जाए और एक तरह से मतलब शाइनी में भी आ जाए। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें इवेंट जो इन्होंने दिया है हमें पूरा एक शेड्यूल दिया है, यानी कि जुलाई में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि स्पॉटलाइट आर, रिसर्च ब्रेक थ्रू, मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिसर्च ब्रेक थ्रू में हमें एक रेड पास भी देखने को मिलेगा फ्री का, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सारे इवेंट्स तो नहीं बताऊंगा, वो टॉपिक से थोड़ा बाहर हो जाएगा। जो रेड की बात थी वो मैं आपको अच्छी तरह बस यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं, और जुलाई जो 23 है उधर हमें उसके बाद एक मिस्टीरियस पोकेमोन देखने को मिल रहा है। यानी कि पोकेमोन गो ने हमें बस इतना बताया कि जो जुलाई 23 को जब म्यूटू चला जाएगा तब हमें रेड्स के अंदर साथ में और भी पोकेमोन देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में अभी मेंशन नहीं करा गया, पर आई थिंक बाद में बता देंगे, जैसे कि 2-3 डेज पहले हमें बता देंगे। उस पर कुछ लीक्स मिलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, पर अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ म्यूटू और डिओक्सिस का कंफर्म है। तो म्यूटू का जैसे मैंने पहले बोलता कि रेड के अलावा भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ट्रिक नहीं मतलब एक सिंपल सा है, पोकेमोन गो ने खुद भी मेंशन करा है कि जब डिओक्सिस होगा अवेलेबल रेड्स के अंदर तब वो जीबीएल में अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि आपको पता होगा जो जीबीएल में रैंक 20 कर लेते हैं उनके पास चांस होता है कि वो जो इनकाउंटर रिवॉर्ड होता है उसमें से लेजेंडरी पोकेमोन भी गेट कर सकते हैं, पर यहाँ पर पोकेमोन गो ने हमें बताया कि जो डिफेंस फॉर्म वाला डिओक्सिस है वो जीबीएल में अवेलेबल नहीं होगा। पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दिया, पर अगर दे देते तो अच्छा होता, पर नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पर इन्होंने इतना बताया कि म्यूटू अवेलेबल होगा, यानी कि जो म्यूटू है वो गो फेस्ट वाले डे भी अवेलेबल होगा, और जब तक उसका मतलब शेड्यूल है रेड्स के अंदर तब तक वो हमें देखने को मिलेगा जीबीएल रिवॉर्ड्स के अंदर। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको पहली गो फेस्ट पर एक अच्छा चांस मिल रहा है पकड़ने का, और भी इतने डेज म्यूटू पकड़ने के मिल गए, और जीबीएल के अंदर भी अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ कि जीबीएल में भी हमें शाइनी म्यूटू मिल सकता है, यानी कि जब हम जीबीएल के अंदर रैंक 20 कर लेते हैं और जब उसके अंदर हम रिवॉर्ड क्लेम करते हैं इनकाउंटर वाला, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को मिलता है शाइनी, जैसे कि जो अभी रेजी गीगस आया है वो तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स को शाइनी में मिला है। तो आपके पास चांस है कि आप शाइनी म्यूटू भी पकड़ सकते हो। तो अगर रैंक 20 के आपका थोड़ा आसपास है, अभी हुआ नहीं है, तो रैंक 20 जल्दी से कर लेना। बाकी डिओक्सीज के लिए तो सिर्फ आपके पास रेड में चांस रहेगा, और वो तो है भी नहीं शाइनी में, तो उसके लिए रेड पास की भी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने
पिछला वीडियो डाला था कि आप शाइनी लेजेंड्रीज अपनी गेम में कैसे पकड़ सकते हो, तो अगर आपको यहाँ पर शाइनी म्यूटू पर वो अप्लाई करनी है चीज़, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। और रेड पास के लिए मैंने आपको बता दिया, एक तो हमें फ्री में जुलाई के अंदर देखने को मिल जाएगा इवेंट्स में, और बाकी भी मैंने एक रेड पास के लिए भी वीडियो अलग से डाला था, वो भी आपको चेक करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो अभी तक जितनी मेरी डिटेल्स थी, यानी कि मैंने आपको सारी डिटेल्स तो नहीं बताई, जो रेड से रिलेटेड डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको वो पसंद आई होगी। अगर आपको बाकी जुलाई इवेंट्स की डिटेल भी चाहिए, आपको उस बारे में नहीं पता, तो आप वो पोकेमॉन गो के ऑफिशियल ब्लॉग में जाके भी अच्छे से रीड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाला हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।